नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने साइंस की क्लास में। ये डेली क्लास 9 बजे रात में होता है, आपको पता होना चाहिए। और जिस दिन क्लास ना हो उस दिन आप प्रीवियस क्लास को जरूर रिवाइज किया करें। वैसे रेगुलर चलेगा जब तक आपका KVS के सुपर टेट के ये दोनों एग्जाम नहीं हो जाते हैं। तो आप सभी से एक प्रार्थना यही रहेगा मेरा कि आप सभी लोग के लिए बहुत ही शानदार रूप में क्लास चलाया जा रहा है। हर एक टॉपिक को मैं कवर करूँगा, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाले हैं साइंस में। और एक सुबह क्लास आता है सामाजिक अध्ययन वाला, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं, तो उधर भी समाप्त होगा। लगभग 23-24 लेक्चर हो चुके हैं, तो आप लोग देखिए उसको, एक बार जरूर देखिएगा हमारे कहने से। और एक रिक्वेस्ट और रहेगा हमारा कि आप सभी से बस एक प्रार्थना है, अगर आप अपने से पढ़ रहे हैं तो ठीक है, पढ़िए, इस क्लास का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, आनंद मिलेगा। और अगर ना पढ़ रहे हो आप, तो लगे आपको हाँ मेरा मित्र पढ़ने वाला हो, तो बस मेहनत का, कम से कम अगर आप मेहनत देख रहे हैं तो उस मेहनत का, अपने मेहनत समझकर कम से कम उसको शेयर जरूर किया करें। क्योंकि दूसरे के मेहनत क्या मतलब समझने वाले, एक तरह से उसका वैल्यू देने वाले ही आगे निकलते हैं। तो मेहनत करो तो उसकी भी वैल्यू रखो, और जो मेहनत कर रहा है ना उसकी वैल्यू रखिए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगा, अपने हर प्लेटफॉर्म पे जरूर शेयर करिएगा अंत तक वीडियो देखने के बाद। सारे लेक्चर को जरूर शेयर करिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सब कुछ, ठीक है ना। चलिए, और बाकी टाइम टेबल के बारे में मैं एक जिक्र कर लूँगा पूरे क्लास को शेड्यूल करने के लिए, ठीक है। आज पढ़ने वाले हैं गति का समीकरण और विस्थापन समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। इसके पहले एक क्वेश्चन लगाएंगे, इस ग्राफ से मैक्सिमम प्रश्न आए हुए हैं। इसके पहले मैंने आपको दूरी और विस्थापन के विषय में, चाल और वेग के विषय में पूरा समझा दिया, चाल वेग और त्वरण के विषय में, तो यह समझना मेरे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अब गति के समीकरण में कुछ चीज़ें हमें जान लेना है। यस फॉर हम समझते हैं विस्थापन, यस इंडिकेट करता है विस्थापन को, विस्थापन को इंडिकेट करता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट को। यू जो है इनिशियल, यानी कि प्रारंभिक वेग को, प्रारंभिक वेग को, यानी कि जिसे कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। वी जो है अंतिम वेग को दिखाता है, जिसे कहते हैं फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका ए आता है, इसे हम त्वरण कहते हैं, यानी एक्सीलरेशन कहते हैं। सबके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है ओपनली। इसके बाद स्मॉल जी भी आ जाता है, स्मॉल जी और टी, टी को कहते हैं टाइम, यानी कि समय कहते हैं। और जो आपका स्मॉल जी होता है, इसे भी गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। यह हमेशा क्षैतिज, देखिए दो चीज़ें हमें न्यूटन के गति के दो प्रकार से समीकरण निकालने हैं, एक तो हमको क्षैतिज रूप में, एक तो ऊर्ध्वाधर रूप में। ऊर्ध्वाधर में एक नीचे से ऊपर से नीचे, एक नीचे से ऊपर, मतलब कि जी के एक तरह से अपोजिट, और एक जी के तरफ वाला सबके सब पॉजिटिव आएंगे। समझ लेना, जब भी ऊर्ध्वाधर की बात होती है, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, तो हमेशा जहाँ पे इस वाले इक्वेशन में जो हमारा क्षैतिज वाला इक्वेशन होगा, तीनों के तीनों गति के तीनों समीकरण जो क्षैतिज वाले होंगे, उसमें एक के प्लेस पे जी रख देना है, एक के प्लेस पे क्या रख देना है, जी रख देना है। ये चीज़ें दिमाग में रख लीजिए। अभी मैं इसको फिर से समझाता हूँ, अगर ये चीज़ समझ में आ गया हो तो मैं इसको डिलीट करूँगा, गुरुत्वीय त्वरण बताना। यह चीज़ें समझ में आ गई, इसे इंडिकेट, अब यह पूछना ना पड़े आपको बार बार कि सर यह क्या है, इसको किससे इंडिकेट करते हैं, तो यह चीज़ें आपको याद रख लेना है। अब चलिए गति के तीनों समीकरण के बारे में हम लोग देख लेते हैं, फिर इस इक्वेशन को करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा, वैसे पहले ही हो जाएगा, लेकिन देखिए इधर पहले गति के तीन इक्वेशन सबको पता है। गति का फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन v = u + at। वी फॉर हमने बताया था फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और समय, मतलब कि अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय। यह पहला समीकरण हो गया गति का, अगर पूछे पहला समीकरण क्या है, यह है, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, त्वरण निकालना जब होता है इसमें, तो फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय कर देते हैं, तो यहाँ से त्वरण निकल जाता है। यह याद रखेंगे, यह फर्स्ट इक्वेशन से ही आता है, ठीक है ना। यह त्वरण होता है, त्वरण का मतलब क्या, त्वरण का मतलब वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। दर जो आया है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो यानी कि समय के रिस्पेक्ट में जो आपका पहले स्पीड था, बाद वाले स्पीड आप बढ़ गए तो उसमें से माइनस कर देते हैं, अगर ज़्यादा आता है तो एक्सीलरेशन हो जाता है, अगर कम आता है, माइनस में आता है, तो उसे कहते हैं मंदन, ठीक है ना। इतनी बातें अपने दिमाग में रख कर लेके चलना है। दूसरा इक्वेशन, सेकेंड मोशन ऑफ इक्वेशन, s = ut + ½ at² + ½ at²
जाहिर सी बात है कोई चीज़ में पूछने की बात नहीं है, आपको मैंने सारा का सारा बता दिया है क्या क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं। जो तीसरा है लिख लेना, जो तीसरा है ना उसे कहते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, एस फॉर डिस्टेंस, ए फॉर त्वरण मतलब एक्सीलरेशन, यू फॉर आपका प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी या अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी। अब देखना यह तो क्षैतिज के लिए था, जब आपका गति क्या हो क्षैतिज यानी कि पैरेलल हो, लेकिन जब यही ऊर्ध्वाधर गति होने लगे, जब कोई चीज़ आप ऊपर से नीचे फेंको या फिर नीचे से ऊपर फेंको, तो पहले ऊपर से नीचे फेंको, जब ऊपर से नीचे फेंकोगे तो गुरुत्व वाले क्षेत्र में आओगे, आप गुरुत्व के क्षेत्र में आओगे क्योंकि जी नीचे लगता है, तो गुरुत्व के क्षेत्र में जब आएंगे तो जी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेंगे, याद रखना, क्योंकि बस इधर ही चल रही है, आप भी इधर ही दौड़ोगे तो हो सकता है बस को लेट में पाओ, लेकिन बस इधर दौड़ रही है मतलब जल्दी पा लो बस आपके तरफ, सॉरी मैंने क्या बोला ध्यान सुन लो, बस मतलब आपके तरफ आ रही है और आप भी बस की तरफ दौड़ो तो बस आप बस को आप जल्दी ही पालोगे, लेकिन बस दूर जा रही है आपसे और आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हो तो क्या होगा, आप थोड़ा लेट पाओगे। वही काम यहाँ पे भी होता है, जब गुरुत्व क्षेत्र ऊपर वाली चीज़ों को नीचे की तरफ खींचता है और हम ऊपर से फेंक ही रहे हैं किसी चीज़ को नीचे, तो गुरुत्व को खींचना आसान हो जाएगा, भाई उसी के क्षेत्र में आ रहा है वो चीज़ और तेज़ी से आने लगेगा, तो ये पॉजिटिव सेंस में आता है, यानी जी क्या होगा पॉजिटिव होता है। और जब मैं गुरुत्व के विपरीत कोई चीज़ फेंकूंगा ऊपर की तरफ तो वह निगेटिव जाएगा, एक स्थिति के बाद जब प्लाइन वेग उस पर काम नहीं करेगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। इसके वेलोसिटी बताएंगे क्या होता है, तो देखो मैं 36 में हूँ लेकिन मैं ऊपर से नीचे किसी वस्तु को फेंक रहा हूँ, तो उसके लिए फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है, वी इक्वल टू यू प्लस ए के प्लेस में हमने बताया था क्या हो जाएगा जी हो जाएगा प्लस में जी टी, इस चीज़ को याद रख लेना। और एस बराबर क्या हो जाएगा, एस की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे की जब बात होती है तो हाइट क्या होगा भाई, 2 मीटर से फेंके, 4 मीटर से फेंके, 10 मीटर से फेंके, तो यस बराबर याद रखना यस बराबर एच हो जाएगा और ए बराबर जी हो जाएगा, इस चीज़ को याद रखना। तो यहाँ पर यस के प्लेस पे क्या ले लोगे आप, एच ले लोगे हाइट, यानी कि एच बराबर यू टी प्लस हाफ ए के प्लेस पे जी टी का स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। दूसरा इक्वेशन किसके रिस्पेक्ट में, जब हम ऊर्ध्वाधर फेंक रहे हैं किसी चीज़ को। नेक्स्ट वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए के प्लेस पे जी और यस के प्लेस पे एच, यस के प्लेस पे क्यों एच, क्योंकि यस यहाँ पे दूरी है क्षैतिज दूरी, सीधे चलोगे सड़क भाई, ऊपर से नीचे थोड़े सड़क पे चलोगे, गाड़ी कैसे चलाते हो, ऐसे चलाते हो नहीं भाई, ऐसे चलाओगे तो उसी जगह पहुँचोगे, जहाँ पे रहोगे उसी जगह पहुँच जाओगे, पता चला बहुत ज़्यादा तेज में तो ऊपर पहुँच जाओ बिल्कुल, तो ये चीज़ें हमें नहीं देखने को मिलना है, हमको सीधे चलना है, सीधे चलना है, तो हम क्षैतिज चलते हैं तो डिस्टेंस एज ए एस लेते हैं, लेकिन जब हम ऊपर से नीचे की बात करते हैं तो हाइट होता है, उस हाइट को हम डिस्टेंस के रूप में कैलकुलेट करते हैं, उसका भी जो यूनिट होता है मीटर में ही आता है, इस वजह से एस को हम हाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर एस क्या होगा, एस मतलब कि एच, ठीक है, यह रहा। लेकिन अगर हम ये तो गुरुत्व क्षेत्र में आ रहे थे तब यह तीनों इक्वेशन बना, अब इसी का जस्ट विपरीत बनाने के लिए, मतलब कि जब हम नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकें तो बस जी जहाँ जहाँ पे वहाँ पे माइनस लगा देना, माइनस जी क्या लगा दोगे, यहाँ माइनस जी करोगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस जी करोगे तो ये वाला भी माइनस हो जाएगा, तब यह तीनों इक्वेशन यूज होगा। समझ में आ गया हो तो बहुत सही है। अब हम चलते हैं अपने ग्राफ के ऊपर फटाफट, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना हो जो भी लेना हो फटाफट काम करिए, फिर हम चलते हैं ग्राफ का निरूपण कराते हैं। हम ग्राफ में भी हमें दो प्रकार के ग्राफ पढ़ने हैं, एक विस्थापन समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार देखे पूछा गया भाई यूपी टेट में आया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पेट के एग्जाम में आया हुआ है यहाँ से क्वेश्चन, मतलब जो हम साइंस पढ़ा रहे हैं ना, अब साइंस शुरू हुआ है तो इसका जड़ सहित पूरा खत्म करेंगे, क्योंकि मैंने आपका आपके सिर्फ जो सिलेबस है ना केवीएस का और सुपर टेट का, इसमें सिर्फ साइंस लिखा है, जब साइंस लिखा है तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, मैक्सिमम देखोगे टॉपिक भी देखोगे ना तो सब कुछ कवर कर दिया इधर उधर करके, तो हमको कुछ नहीं छोड़ना है क्योंकि एग्जाम बहुत ही वर्षों बाद हो रहा है भाई, तो इस प्रकार पढ़ें, कम से कम फोड़ दें, एक सीट तो मेरा 6000 में हो जानी चाहिए, ये चीज़ें दिमाग में रखना है। चलिए अब वेग समय ग्राफ और विस्थापन समय ग्राफ, इन दोनों में पहले अंतर समझ लेते हैं हम क्या होता है। देखिए आपको हमने बताया था एक्सीलरेशन क्या होता है, मतलब त्वरण क्या होता है, तो आपने बोला था वेग समय वेग के दर को हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं, तो त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, वेग बटे समय, तो जब हम वेग समय ग्राफ देखेंगे तो वहाँ पे त्वरण की वैल्यू निकालेंगे, त्वरण बढ़ेगा घटेगा समान रहेगा असमान रहेगा यह होगा, लेकिन जब विस्थापन की बात होगी, विस्थापन समय ग्राफ की बात होगी, तो वहाँ पर वेग की बात होगी, वेग बराबर ही तो था विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन और समय के रिस्पेक्ट में जो ग्राफ बनेगा वो वेग के लिए बनेगा, और वेग और समय ग्राफ जो बनेगा वह दोनों वेग और समय के रिस्पेक्ट में जो ग्राफ बनेगा वो किसके लिए बनेगा, त्वरण के लिए बनेगा। ये बातें दिमाग में बिल्कुल एज इट इज छप जानी चाहिए। मैं दोनों ग्राफ एक साथ बनाता हूँ, फिर दोनों में डिफरेंस निकालते हैं एक एक करके, देखना
यह आपका क्या है? वेग, वेग यह समय, वेग बटा समय क्या होता है? यहाँ पर लिख लेना, वेग बटा सॉरी यार त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर वेग बटा समय, समय यानी कि टाइम, वेलोसिटी अपान में टाइम होता है। इस बात को आप लिख लेना, वेग बटा समय यानी कि वेग ऊपर की तरफ और समय इस तरफ। इसको बहुत ही दिमाग में इज्जत के साथ घुला लेना है आपको अपने दिमाग में, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, देखना जरा भाई। यहाँ पर अगर मैं वेग की बात कर लूँ और समय की बात किया मैंने, तो आपको पता होना चाहिए जो वेग और समय ग्राफ हैं कितने प्रकार से बनते हैं, मैं बताते चलता हूँ, आप काउंट करो। देखो सबसे पहली बात है, वेग आपका लीनियर हो, ए इसको पॉइंट ए दे देते हैं हम लोग, ए पॉइंट, ठीक है। समय कुछ भी हो, यहाँ पर टी ले लेना, टी सेकेंड में, और वेग ले लेना मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है भाई। और यहाँ पर स्पीड कुछ बना सकते हो आप। एक तो इस प्रकार से गति होगी, एक तो क्या होगा सीधा गति होगा ऐसे कोई चले, एक तो क्या होगा इस प्रकार से कोई यहाँ से निकले ऐसे चले, एक तो कोई ऐसे चलेगा यहाँ से निकलेगा ऐसे चलेगा, और एक तो हो सकता है ऐसे भी कोई चल ले। कोई शरारत बच्चा ऐसे कहेगा ना भाई, हाँ ऐसे भी तो सर कुछ ना कुछ होने चाहिए। तो मैं सबका नाम देता हूँ, इसको नाम हमने ए दे दिया, इस वाली लाइन को नाम हमने बी दे दिया, इस वाले को सी दे दिया, इस वाले को डी दे दिया, और इस वाले को ई दे दिया। अब मैं अगर आपसे पूछूं तो बताओ क्या क्या घटनाएं इसमें घट रही हैं, तो मैं पूछूंगा त्वरण किसमें सबसे अधिक है, तो बताओ आप खुद भाई। देखो यह वेग है, वेग है, वेग इसमें नहीं बढ़ रहा है, वेग आप स्थिर हो लेकिन समय बढ़ रहा है। आप बैठे रहो, खाना खाओ, कुछ भी करो भाई, समय थोड़े रुकेगा आपके लिए, समय तो बढ़ता रहेगा भाई। सोए रहो, कुछ मत करो, खाली बैठे रहो, हार जाओ दुनिया से, सब कुछ गंवा बैठो, तो समय तो बढ़ेगा भाई, बूढ़े हो जाओगे बैठे बैठे, समझ रहे हो ना। लेकिन जो ए है भैया, ये पॉइंट जो है ना यहीं पे बैठा है, ये अब ए बैठा है, वेग यहाँ पे चढ़ के बैठा है, मत समझ जाना यहाँ पे हमारा ओरिजिन है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको समय लगा होगा कुछ भाई, उसी जगह बैठा ही है। जैसे गाड़ी से कोई जा रहा हो, आप रास्ते में उसे देख लो, तो ये थोड़े कहोगे वो घर से निकला था तब मैंने उसे देखा था, नहीं आप उसे चलते हुए बाइक से देखे थे, जहाँ पे देखे थे उसकी डिस्टेंस वहीं पे जीरो थी, तो उस समय तो जीरो पे था आपके, जब पैरेलल था आगे निकला होगा तो आपसे ज्यादा रहा होगा। तो इसी प्रकार से समय इसका तो बढ़ गया बेटा, लेकिन अब बताओ यह वस्तु किस कंडीशन में है, तो बोलोगे यह वेग मतलब यहाँ पे जो त्वरण है ना वह कभी बढ़ ही नहीं सकता, यानी कि ए पॉइंट वाला जो लाइन है वे ए ग्राफ मैं अकेले बना दूं यहाँ पर ऐसे, आपसे बनाकर पूछ ले बताओ इसमें त्वरण का पोजीशन क्या है, इधर वेग है और इधर समय है, तो बताओ इसमें त्वरण का पोजीशन आप क्या बताओगे, तो बताओगे ए जो है त्वरण में है, बढ़ेगा इसका त्वरण बढ़ रहा है कि त्वरण घट रहा है कि त्वरण समान है कि त्वरण क्या है, तो बताओगे त्वरण इसका एक समान है क्योंकि इसमें वेलोसिटी एक समान है। हमने बताया था जब वेग एक समान रहेगा तो गाड़ी घुर करोगे नहीं भाई, एक्सीलरेशन घुर करोगे नहीं करोगे ना, घुर नहीं करोगे तो घुर आगे नहीं जाएगा, वो उसी पॉइंट पे टिका का टिका रह जाने वाला है। यानी कि जो ए है ना वो किस स्थिति में है, एक समान त्वरण की स्थिति में है। तो याद रखना जो ए वाला लाइन है ना ये किसको शो कर रहा है, ए समय मतलब ये वाला ग्राफ, तो ए वाला यहाँ पे लिख देता हूँ एक समान त्वरण के लिए, एक समान त्वरण, त्वरण यानी कि इक्वल एक्सीलरेशन, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। इसके बाद मैं आगे चलता हूँ दूसरे वाले पे, बी वाले पे आते हैं। बी वाला देखना ग्राफ क्या कह रहा है, बी वाले में देख रहे हो पहले घट रहा था, पहले बढ़ रहा था फिर अचानक से घटने लगा, तो भाई इसमें क्या हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में वेग आपका क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा था फिर घटने लगा, तो त्वरण क्या होगा, त्वरण क्या होगा भाई, घटेगा। याद रखना पहले आप स्पीड में जा रहे थे, मार्केट पड़ गया रास्ते में, उसमें थोड़ा सा भाई उतने स्पीड से जाओगे किसी को कुचल दोगे, तो इससे बढ़िया थोड़ा सा स्लो चल लें, अपने आप में कुछ स्लो चला लें, दो चार लोग का जान ही बच जाए। तो याद रखना जो बी वाला है ना ग्राफ वो क्या शो कर रहा है, त्वरण मतलब कि घटेगा, इसमें त्वरण क्या होगा, घटेगा, ठीक है भाई, त्वरण मतलब एक्सीलरेशन समझना। इसके बाद डी वाले में देखना, डी वाले पे आते हैं फिर सी वाले पे आएंगे, पहले सी ही देख लो। अच्छा सी में देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे चल रहे हो तभी समय और मतलब वेग और समय बराबर, एक घंटे में आप एक किलोमीटर गए, फिर अगले एक घंटे में एक किलोमीटर गए, फिर नेक्स्ट एक घंटे में भी एक किलोमीटर, मतलब इस प्रकार से आप हर घंटे में एक एक किलोमीटर तय कर रहे हो, तो इसे बोलेंगे एक समान त्वरण। जब ऐसी स्थिति हो जाए सी वाले ग्राफ जैसा, तो बोलोगे एक समान त्वरण, एक समान त्वरण बोलोगे, एक समान त्वरण बोलोगे, ठीक है, बातें क्लियर हुए, फंडा सब कुछ क्लियर है, तो आगे चलते हैं। अब बताना डी वाले पे आ गया, जब डी वाले पे हमको आना होता है तो डी पे क्या हो रहा है, देख रहे हो पहले घट रहा है, पहले घटा हुआ है, पहले आप मार्केट में हो फिर खाली स्थान मिला भाई, हाईवे आ गया तो आप उड़ने लगे, यानी कि आपका एक्सीलरेशन बढ़ गया, तो बोलोगे हमारा त्वरण क्या हो गया, बढ़ गया, त्वरण मतलब एक्सीलरेशन क्या हो गया, बढ़ेगा,
ठीक है। अब एक स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति आ जाती है भाई, बताओ आप खुद बताओ, अगर आप यहीं पे बैठे के बैठे रह जाओ और आप बोलो समय न बढ़े, ऐसा कुछ हो सकता है? समय को रोक कर कोई रख सकता है भाई? टाइम बम भी लगाओगे ना तो भी समय पे ही फटेगा। यह चीज़ें टाइम बम की कैटेगरी में आती, बहुत खतरनाक बम होता है भाई। तो इस प्रकार से ये समझ लो टाइम बम ही है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आप गलत करोगे ना तो आप टाइम बम की तरह फटोगे। आज के बाद कभी गलत मत करना बेटा, ई वाला जो पॉइंट है ना यह असंभव है, लिख देना असंभव। ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ भी एक्टिविटी करें और टाइम ना बढ़े, कुछ एक्टिविटी ना करने पर भी टाइम नहीं बढ़, टाइम बढ़ता है, कुछ करोगे तब भी टाइम ही बढ़ता है। टाइम को रोक कर नहीं रखा जा सकता, टाइम जीरो नहीं हो सकता, याद रखना। वेग अपना बढ़ाओ चाहे घटाओ उस कुछ नहीं मतलब है, लेकिन टाइम जीरो नहीं करना है। तो ये चीज़ें रह गई वेग समय ग्राफ को, जिसे हम एक्सेलरेशन करते हैं। अब आ जाते हैं विस्थापन समय ग्राफ। विस्थापन समय ग्राफ में वेग देखेंगे, क्योंकि विस्थापन बटा समय क्या होता है? वेग होता है। वही ग्राफ बना लो, यहाँ पे भी हमने फालतू का अरेंज कर दिया भाई। ए यह वाला सी था और यह वाला बी था और यह वाला क्या था? डी था और यह वाला एक, इसको आगे करो तो यह क्या हो गया? ई हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा, एक्सेलरेशन, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा समय। तो आप खुद बताओ, अब आप खुद देख के बताओ क्या हो रहा है, आपको समझ आ रहा है? ए वाले स्थिति पे क्या कहोगे? ए वाले स्थिति पे आप कहोगे भैया वेग जो है ना, क्योंकि वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। थोड़ा सा दिमाग लगाना और ग्राफ को देखना अच्छे से, केवल ए को देखो, इन सबको भूल जाओ, ए को देखो, केवल ए ही इसमें है। तो भैया आप इसी जगह स्थित हो, इसी जगह खड़े हो और समय बढ़ रहा है, तो बोलोगे वेग क्या है? वेग हमारा क्या है? स्थिर है। यानी कि आप क्या हो? आप क्या हो भैया? ना बढ़ रहे हो ना घट रहे हो, मतलब वेग समान वेग से चल रहे हो, समान वेग से चल रहे हो भाई। आपका पोजीशन ना हिल रहा है ना डुल रहा है, तो बता दोगे समान वेग से हम चल रहे हैं, समान वेग से चल रहे हैं, क्योंकि समान समय समय बढ़ रहा है, हम उसी जगह स्थित हैं, समान वेग से चल रहे हैं। दूसरा बी वाला देखना, अब क्या हो रहा है? हमारा वेग घट रहा है, पहले बढ़ा था फिर घटने लगा, तो बी वाले पोजीशन के लिए आप कहोगे हमारा वेग नहीं घटेगा, वेग घटेगा, वेग क्या होगा? घटेगा, घटेगा, रिड्यूस होगा। इसके बाद क्या होगा? सी वाले पे होगा, सी वाले पे देखोगे तो हर समय हर एक घंटे पे आप समान वेग कंपेयर कर रहे हो, मतलब तय कर रहे हो हर एक घंटे पर, हर वन एंड पर वन आवर पर आप हर एक घंटे पर 1 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर इन पर, मतलब कि एक तरह से रेगुलर टाइम इंटरवल है ना, रेगुलर टाइम इंटरवल पर आप रेगुलर, मतलब कि एक तरह से समान समय, यानी कि इक्वल डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं, है ना, रेगुलर, मतलब कि क्या बोल लो उसको, रेगुलर टाइम इंटरवल है, अभी इक्विलेटरल टाइम पर आप क्या कर रहे हो? हर एक घंटे पर आप 1 किलोमीटर तय कर रहे हो, इस प्रकार से समझ लो। तो आप क्या यहाँ पे देखने को मिला, आपको सी पे क्या देखने को मिला कि समय जो वेग है आपका, जो वेग है आपका समान है, वेग क्या है? समान है। इसके बाद डी वाले पे आप देखोगे तो देखो आपका क्या हो रहा है भैया, पहले मार्केट में थे फिर आपका वेग धीमा था, अब अचानक से बढ़ गया समय के अनुसार, तो बताओगे हमारा जो वेग है ना वो बढ़ गया, वेग बढ़ गया, बढ़ेगा। ये भैया यह तो संभव है ही नहीं, हमेशा याद रखना, क्योंकि समय जीरो नहीं हो सकता, वेग बढ़ाओ चाहे घटाओ, तो याद रखना असंभव, ये वाला लिख लेना असंभव, ठीक है भाई, ये चीज़ें असंभव है। अब हम एक क्वेश्चन पे आते हैं, फिर इसके बाद इसका सेशन समाप्त करते हैं। यह आपके लिए क्वेश्चन है, थोड़ा देखना भैया। अगर किसी कार का प्रारंभिक चाल 72 किलोमीटर पर आवर है और 5 सेकंड के बाद ब्रेक लगा दिया जाता है, तो उस कार का मंदन कितना होगा भाई? 5 सेकंड के बाद ब्रेक लगा दिया जाता है तो भाई उसका मंदन कितना हो जाएगा, बताओ? जैसे ही ब्रेक लगाया जाएगा उस पर, तो उसका मंदन कितना हो जाएगा? ये आपके लिए चलो क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। जो बच्चा बताएगा उसको कल वाली वीडियो पसंद आई थी, मतलब कल वाली वीडियो जो इसके पहले हुआ था वो समझ में आया था, तभी ये बच्चा बता पाया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने कल कराया था, कम से कम 8 या 7 क्वेश्चन कल कराया गया था। तो सारी वीडियो आप फॉलो करते रहिए, इसके बाद हम लेकर आएंगे बहुत जल्द आपका एक बहुत ही मज़ेदार क्लास, जो आपका लीवर वाला होता है ना, लीवर प्रथम द्वितीय तृतीय प्रकार का उत्तोलक जो होता है ना मशीन, उसके ऊपर। धन्यवाद।